12वें ओवर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद शुभमन गिल ने शतक जमाने की ठान ली। आकाश मधवाल के ओवर में लगे 3 गगनचुंबी छक्कों ने बढ़ाया गिल का हौसला। शुभमन गिल के तूफानी शतक ने छीना मुंबई इंडियंस से फाइनल का टिकट। क्रिकेट में गेंद मैच भी पलटती है और खिलाड़ी के मूड को भी। फिर यहाँ तो पूरा का पूरा ओवर था, यह गुजरात की पारी का 12वां ओवर था जिसने शुभमन गिल पर तगड़ा असर किया था। इस ओवर में दरअसल शुभमन गिल को यह एहसास हुआ कि यह दिन उनका है और उन्होंने खुद से बड़ी पारी खेलने का वादा कर लिया। अब आप सोचेंगे कि मैदान के अंदर की बातें भला हम कैसे जाने, तो जनाब ये हम कहां कह रहे हैं, ये तो खुद शुभमन गिल ने कहा है। मैच के बाद उन्होंने बताया कि कैसे उस ओवर ने उनके अंदर बड़ी पारी का विश्वास भरा और वो खेलने में कामयाब रहे। शुभमन गिल ने मुंबई इंडियंस पर गुजरात की जीत और उसे फाइनल का टिकट मिलने के बाद कहा, मैं बॉल टू बॉल ओवर टू ओवर खेलना पसंद करता हूँ। जिस ओवर में मैंने 3 छक्के लगाए उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि ये मेरा दिन है। उन 3 छक्कों से मुझे वो बड़ी पारी खेलने का मोमेंट्स मिला। गिल ने अपनी 129 रन की पारी में 10 छक्के लगाए, लेकिन यहाँ वो जिन 3 छक्कों की बात कर रही हैं वो 12वें ओवर में जड़े गए थे। यह ओवर मुंबई इंडियंस के आकाश मधवाल का था जिनके खिलाफ पहली दूसरी और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का लगाया। शुभमन गिल के मुताबिक यही वो 3 छक्के थे जिनसे उन्हें बड़ी पारी खेलने का कॉन्फिडेंस मिला। उन 3 छक्कों से मिले कॉन्फिडेंस का फायदा उठाकर शुभमन गिल ने शतक जड़ा। उन्होंने 60 गेंदों पर 129 रन की पारी खेली जो कि आईपीएल प्लेऑफ में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है। 7 चौके 10 छक्के और 215 का स्ट्राइक रेट से सजी इस पारी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 233 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर डाला। मुंबई इंडियंस के सामने 234 रनों का लक्ष्य था, लेकिन इसका पीछा करते हुए वो बस 171 रन ही बना सके। इस तरह फाइनल का टिकट उनसे 62 रन दूर रह गया। गिल का सीजन में 3रा शतक रहा। गिल ने इस पारी में मात्र 60 गेंद ही खेली थी और इसमें भी उन्होंने 129 रन बना डाले। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 215 से ज्यादा का रहा। पारी में गिल ने मात्र 7 चौके और 10 आतिशी छक्के जड़े। शतक पारी के चलते गिल को ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। गुजरात की पारी के 15 ओवर की पहली बॉल पर ही 1 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। शतक वाले सिंगल के बाद उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जश्न मनाया। गिल पहले तो हवा में करीब 3 फीट तक उछले, उसके बाद हेलमेट उतारकर फैंस के सामने अभिवादन किया। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।